जम्मू कश्मीर का हुक्मरान महाराजा हरि सिंह लॉर्ड माउंट बैटन के बुलाने पर दिल्ली नहीं गया, क्योंकि उसे पता था कि मैं अगर वहां गया तो लॉर्ड माउंट बैटन मुझ पर दबाव डालेगा कि तुम इंडिया से इलाज करो, और क्योंकि महाराजा इंडिया से इलाज नहीं करना चाहता था इसलिए वो गया ही नहीं। फिर दूसरी कोशिश उन्होंने की गांधी को कश्मीर ले जाता कि तुम जाकर महाराजा को राजी करो तो इंडिया से इलाज। गांधी पूरा हफ्ता कश्मीर बैठा रहा, उसने पूरी कोशिश की महाराजा को मनाने की, लेकिन महाराजा ने गांधी की बात भी नहीं मानी। फिर एक जिस तरह हमारे ये मुसलमानों के पीर शीर होते हैं, जिस तरह हिंदुओं के भी होते हैं, भी उनका कोई हिंदू साधु था जिसके पास महाराजा और महारानी जो है जाया करते थे, उनके बेटा नहीं था उनके घर में, वो उनके पास जाते थे अपने हिंदू पीर के पास, पीर साहब दुआ करो हमें अपना बेटा दे, कोई कुत्ता कुत्ता भारत हो जाए, बेटा हर बार में हो भी गया। तो कांग्रेसियों ने उस हिंदू पीर को भेजा उसके पास, महाराजा हरि सिंह के पास। वो हिंदू पीर पूरा हफ्ता जो है जम्मू में ठहरा रहा महाराजा के शाही महल में, महारानी की भी मिनटें करता रहा महाराजा की भी तुम इंडिया से इलाज करो, लेकिन महारानी ने भी और महाराजा ने भी उस पीर की बात नहीं मानी। फिर आखिरी अड्डे के तौर पर लॉर्ड माउंटबेटन खूब श्रीनगर गया महाराजा को कश्मीर के साथ हिंदुस्तान के साथ इलाज करने पर राजी करने की। जब लॉर्ड माउंटबेटन श्रीनगर गया तो इस दौरे के दौरान उसका अपना अंग्रेज सेक्रेटरी कैंपल जॉनसन भी उसके अपराध। कैंपल जॉनसन ने इस मौजू पर किताब लिखी है, उस किताब का नाम है मिशन विद माउंटबेटन, अंग्रेजी में है, जो मीरपुर कॉलेज की लाइब्रेरी में मौजूद है। कैंपल जॉनसन ने लिखा है कि लॉर्ड माउंटबेटन जब श्रीनगर पहुंचा तो महाराजा हरि सिंह को अपने जराये से पहले ही ये इत्तला मिल चुकी थी कि ये मुझ पर दबाव डाले और मुझे इंडिया के साथ इलाज करने के लिए राजी करने के लिए आया। तो महाराजा क्योंकि इंडिया से इलाज नहीं करना चाहता था, उसने जो अपना प्राइम मिनिस्टर था कश्मीर का आरसी का, उसे बुलाकर कहा कि लॉर्ड माउंटबेटन को पार्टियों दावतों और शिकार में उलझाए रखो। चलते प्राइम मिनिस्टर ने इसी तरह किया। जब लॉर्ड माउंटबेटन और महाराजा के दरमियान मुलाकात का वक्त आया तो महाराजा हरि सिंह बेड पर लेट गया और उसने जो अपना प्राइम मिनिस्टर था कश्मीर का, उसे बुलाकर कहा कि लॉर्ड माउंटबेटन को बता दो कि महाराजा की तबीयत नासाज है, वो शदीद किडनी पेन में मुबतला है, इसलिए मुलाकात नहीं हो सकती। चनाचे लॉर्ड माउंटबेटन महाराजा से मुलाकात किए बगैर अपने मिशन में पूरी तरह नाकाम होकर श्रीनगर से वापस दिल्ली चला गया। जब वो श्रीनगर एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना हुआ तो हुकूमत ने जम्मू कश्मीर का कोई एयर आर्मी भी उसे एयरपोर्ट पर अलविदा करने के लिए नहीं आया। तो लॉर्ड माउंटबेटन के सेक्रेटरी ने लिखा है कि लॉर्ड माउंटबेटन समझ गया था कि महाराजा ने मुलाकात से जान छुड़ाने के लिए राज्य कोटा का बहाना किया। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि महाराजा हरि सिंह इंडिया से इलाज नहीं करना चाहता था। अगर हमारे ये कश्मीरी लीडर ये नाम याद गाजी मेले पर मजाजी अगर पंगाबाजी ना करते और ये पाकिस्तान वाले लीडर से ना असलाह को भेजते और पठान ना भेजते, महाराजा हरि सिंह कभी भी इंडिया से इलाज ना करते। तो जो कुछ हुआ है इसकी सारी जिम्मेदारी हमारे अपने हुकम माल गिरों पर भी आयद होती है और पाकिस्तान के हुक्मरानों पर भी आयद होती है। बड़ी सिंपल सी बात थी भाई, महाराजा इख्तदार मुसलमानों को दे रहा है, पार्टियां ये खुद मख्तार रियासत भी होती तो छोटी सी मुसलमान रियासत होती, हमने पाकिस्तान का क्या बिगाड़ना था, छोटा भाई बनकर ही रहना था, हमने इनको पानी भी देते रहना था, बिजली भी देते रहना था, हम भी पंजाब से, मैंने आपको बताया बहुत कुछ देते, तो इनको हमारी जरूरत थी, हमें इनकी जरूरत थी। तो ये कहते थी हिन्दुस्तान की पॉलिसी कश्मीर के मतलब वैसी होनी चाहिए जैसी इंडिया की पॉलिसी नेपाल के मतलब। नेपाल का अगर इंडिया कब्जा करना चाहे तो आधे घंटे में कर सकता है, लेकिन उन्होंने कब्जा नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, छोटी सी मुस्लिम रियासत है, हमारे छोटे भाई बहन कर रहे हैं, हमारी तरफदार है, हमारे कहने पर चलती है, तो हमें क्या जरूरत है उसको खत्म करने की। नेपाल के और इंडिया के दरमियान कोई वीजा नहीं है, कोई पासपोर्ट नहीं है, जिस तरह हम यहां से जीने जाते हैं इसी तरह वहां से नेपाल से दे भी जाते हैं, नेपाल का। तो अगर ऐसी पॉलिसी ये अपना ले तो कश्मीरियों को ये छोटा भाई बनाकर अपने साथ रख सकते हैं और हिंदुस्तान को निकालने का यही एक तरीका है।
पाकिस्तान पहले मरले में कश्मीर की खुदमुख्तारी मांग ली। जब ये मान लेंगे इंडिया के पास कोई हल ही नहीं रहेगा, निकलने के सिवाय कोई चारा ही नहीं रहे, जब वो निकल जाएगा तो दरियाओं के जो मम्मे हैं वो हमारी कश्मीर गवर्नमेंट के पास आ जाएंगे। या मुसलमान भाई, हम आपको पानी भी देते रहेंगे, बिजली भी देते रहेंगे, तुमने अपना पानी खुद बंद कराया है, आप टीपी लगा रखी। और दूसरे मरले में जब ये रियासत से एक आजाद हो जाएगी, इंडिया निकल जाएगा, तो हम भी मुसलमान हैं, ये भी मुसलमान हैं, तो शायद आगे चलकर हम कोई तूफान साहब के अंदर शायद इनके साथ कोई वायदा भी कर ले, आगे चल के कुलदीप भी अरेंजमेंट हो सकता है। लेकिन पहले मरले में इनको कश्मीर वाली बात मान लेनी चाहिए, इंडिया को निकालने का यही एक तरीका है, वरना ताकत के जोर से पाकिस्तान क्यामत तक इंडिया को नहीं निकाल सकता। इसके साथ मैं एक बात करूंगा।